बात करें शहर बनारस की, तो शहर बनारस में तेजी के साथ बदलते मौसम ने शहरियों को बीमार करना कर दिया है शुरू। शायद ही कोई ऐसा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम होगा जहां पर मरीजों की लाइन ना लगी हो। हर एक पैथोलॉजी में लगने वाली लंबी कतार बीमार होते शहर बनारस को जाहिर कर रही। तो वहीं शहर में जर्जर सीवर व्यवस्था और मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं के छिड़काव में नगर निगम उदासीन दिखाई दे रहा। अगर हम बात करें शहर बनारस के सेहत की स्थिति की, तो लगभग हर घर में एक से दो लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। किसी को तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, तो किसी को सर्दी जुखाम और पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। बीमारी किस कदर बड़ी है, इसका अंदाजा अस्पतालों में हर दिन बढ़ती जा रही भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। अस्पतालों के वार्ड भी मरीजों से फुल हो गए हैं। चिकित्साओं की अगर माने तो इस समय जरा सी भी लापरवाही सेहत के लिए भारी पड़ सकती है। शहर बनारस के सेहत की हाल होती जा रही है कि सुबह अस्पताल का पर्चा काउंटर खुलते ही लोगों की लंबी लाइन लग जा रही। आपातकाल सेवा की भी यही स्थिति है कि देर रात तक मरीज अस्पताल में आ रहे। फिजिशियन से लेके बाल रोग विभाग, चर्म रोग विभाग, चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी में लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे। तो वहीं चिकित्साओं की माने तो 35% से अधिक मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं। तो वहीं प्लेटलेट कम होने की समस्या से ग्रसित मरीजों का अंदाजा आप ब्लड बैंक के अंदर भीड़ से लगा सकते हैं। इन सबके बीच नगर निगम वाराणसी का रवैया बनारसियों की सेहत को लेकर काफी लापरवाही भरा दिखाई दे रहा है। मच्छरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलने वाली नगर निगम की फॉगिंग मशीन सफेद हाथी ही साबित हो रही। अमूमन ही देखने को मिल रहा है कि फॉगिंग केवल कागजों पर हो रही। जिन इलाकों में ये मशीनें चल भी रही तो केवल धुआं ही नजर आता है, उसका असर नहीं। जानकार बताते हैं कि इन मशीनों में पड़ने वाली दवाओं की मात्रा कर्मचारी इतना कम डालते हैं कि उसका मच्छरों पर कोई असर नहीं होता। ऐसे में दवाओं का छिड़काव मात्र कागजी घोड़े दौड़ाने जितना है।